सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज के धमाकेदार करंट अफेयर्स की शुरुआत की जाए। और वो करंट अफेयर जो आने वाले यूपीएससी की एग्जामिनेशनों में, बीपीएससी की एग्जामिनेशनों में, जेपीएससी की एग्जामिनेशनों में, सीडीएस के एग्जामिनेशनों में, एफकैट की एग्जामिनेशनों में, सीएपीएफ किट या डिफेंस के और डिफरेंट एग्जामिनेशनों में जो कि 2021 में होने की संभावनाएं हैं, जिनका एग्जामिनेशन जून तक हो गई, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सितंबर टू मार्च के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ इस वीडियो में डियर। इस वीडियो को जरूर जरूर से जरूर आप देखेंगे और पूरी वीडियो को देखना डियर, ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। और जैसे कई लोग आते हैं और तुरंत वीडियो को रिलीव करके चले जाते हैं, उनको ज्ञान की बढ़ोतरी नहीं हो सकती डियर। तो आपको अगर चाहते हैं कि परफेक्ट नॉलेज आपको मिले तो बिल्कुल ही इनको आप जरूर देखना। जस्ट आपको एमिनेंट एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लेना फॉर फ्यूचर इंफॉर्मेशन के लिए। आई होप आप बातों को समझ गए होंगे और करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण या करंट अफेयर्स की जो इम्पोर्टेंस है, इससे किसी की प्रकार का कोई परहेज ना होगी डियर आप सबों को। क्योंकि आपको अगर आप जेपीएससी में बैठ रहे हो, सीडीएस में बैठ रहे हो, तो मोर देन 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे डियर। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में अगर करोगे तो मोर देन 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तक चले जाते हैं करंट अफेयर्स के। सो लुकिंग टू दिस इम्पोर्टेंट, मैंने सेप्टेम्बर से मार्च तक के आपके सेशन को चालू किया गया। ये अल्टरनेट चलेगी, जैसे कल आपको मार्च के करंट अफेयर्स मिलेंगे और फिर परसों आपको सितंबर के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फाइन, सो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कि 2021 में होने वाले हैं, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनटीपीसी एंड अदर एग्जामिनेशन में जो आप तमाम युवा जिस एग्जामिनेशनों में अपने आप भाग्य को आजमाते हैं, उनके लिए एक रामबन साबित होगा हमारा करंट अफेयर्स। जस्ट यू हैव टू नीड योर सब्सक्रिप्शन एमिनेंट एजुकेटर, जिससे आप सब्सक्रिप्शन कर लो ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। टेलीग्राम ऐप पे आ सकते हो, टेलीग्राम ऐप पे आप एमिनेंट एजुकेटर के रूप में मुझे सर्च करोगे तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो कैसे आपको जाना है, डाउनलोड द लिंक, टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन। आप देख रहे हो ये कैंडिडेट्स अगर एग्जामिनेशन दे के निकल रहे हैं, अगर आपने इनसे बात करी होगी कि आप ये सारे स्टूडेंट जेपीएससी के एग्जामिनेशन को देख लिख रहे हैं, सिक्स जेपीएससी, तो इनके आपने बताओगे कि 15 क्वेश्चन जीएस 1 में आए करंट अफेयर से और 15 क्वेश्चन जीएस 2 में आए करंट अफेयर से। तो अगर आप किसी एग्जामिनेशन में अकेला करंट अफेयर 30 मार्क्स देता है तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। सीडीएस के एग्जामिनेशनों में आपने देखा होगा सीडीएस 1 की पेपर हुई है और हमारे क्लास से तो 95% क्वेश्चंस टैली किए थे। और यूपीएससी के एग्जामिनेशन में डियर जो अभी जस्ट वैकेंसी आने वाली है और पेपर आपके इनके जून तक होते हैं, उम्मीद करता हूँ कि उनमें भी काफी क्वेश्चन हमारे लड़ेंगे। और एनटीपीसी में तो क्वेश्चन लड़ ही रहे हैं हमारे। सो आप डिफरेंट अप्रोच के विद्यार्थी डिफरेंट तरीके से हमारे करंट अफेयर्स को समझ सकते हो। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मिशन कर्म योगी व्हिच इज ए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर व्हिच कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये कहता है कि केंद्रीय मंत्री ने मिशन कर्म योगी को मंजूरी दी है जो कि किस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए के क्षमता में निर्माण करेगा, मीन्स उनकी वर्किंग कैपेसिटी, उनके स्टाइल, उनकी क्रिएटिविटीज में बढ़ोतरी देगा। क्या यह बैंक एम्प्लॉय के लिए है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए है, फार्मर्स के लिए है या सिविल सर्वेंट्स के लिए। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिशन कर्म योगी, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। मिशन कर्म योगी का संबंध किस सेक्टरों से है? ओके, आप आंसर करोगे सिविल सर्वेंट, मीन जो सिविल सर्वेंट में है, जो पब्लिक सेवा में है, उनको उनकी किस तरह से क्रिएटिविटी को बढ़ाया जाए। तो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव द मिशन कर्म योगी ए नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट कैपेसिटी बिल्डिंग्स। ओके, द मिशन कर्म योगी इज अ यूनिक स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट अक्रॉस द कंट्री टू प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर बाय मेकिंग देम मोर क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, इनोवेटिव, प्रोएक्टिव, प्रोफेशनल्स एंड प्रोग्रेसिव। नटशेल आप कह सकते हो कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके राइट एटीट्यूड्स को बढ़ाना, स्किल नॉलेज को बढ़ाना, ताकि वो काफी इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद मिल पाए। नेम द चेयरमैन ऑफ द सीबीटीटी हुज टेन्योर्स हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये मतलब कहने का मतलब है कि कौन से ऐसे सीबीटी के चेयरमैन है
जिनको रिटायरमेंट ले लेनी थी अगस्त में ही, बट उनका कार्यकाल अब सितंबर 1 सितंबर से लेकर अगले 6 मंथ तक मतलब फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। तो वो है प्रमोद चंद्र मोदी। मतलब अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंटली सीबीटी के चेयरमैन कौन है, तो बोलोगे प्रमोद चंद्र मोदी। ओके, द टेन्योर ऑफ द इनकमबेंट चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस प्रमोद चंद्र मोदी हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। Which states has announced to set up exclusive anti-electricity theft police station in every district to address the problem of frequent cases of power theft? ये क्वेश्चन ये कहता है कि किस राज्य ने बिजली चोरी के लगातार मामलों की समस्या को दूर करने के लिए हर जिले में विशेष बिजली विरोधी चोरी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई। जैसे कई राज्यों में साइबर पुलिस स्टेशन, अब यह है कि बिजली चोरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसको रोकने के लिए वो तरह तरह के लोग हथकंडे अपनाते हैं बिजली चोरी करने के लिए, उनको रोकने के लिए स्पेशल से पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। और आजकल पुलिस के साथ सबसे ज्यादा काम करने वाला वर्क करने वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। तो सेम वे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज अनाउंस्ड टू सेट अप एक्सक्लूसिव एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन इन ईच ऑफ द 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट। ओके, तो 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट में इसको प्रोग्राम को लॉन्च करने की बात करा है। इसमें से 75 डिस्ट्रिक्ट्स की बात में से 63 में ऑलरेडी फंक्शन हो चुके हैं इंडियन। ओके, चलिए, एयर स्कैनर एक एप्स है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड रीडिंग असिस्टेंट एंड डॉक्यूमेंट स्कैनर एप्स है, लॉन्च किया गया है किस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के द्वारा। आधारित पैटर्न है तो वो IIT मद्रास है, IIT मुंबई है, IIT दिल्ली है या IIT कानपुर है। आंसर होगा IIT मुंबई के विद्यार्थियों के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। अगर बात किया जाए ये जो ऐप है वो चाइनीज डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप कैम स्कैनर के को रिप्लेस करेगा और ये बिल्कुल ही मेक इन इंडिया और ये अपना देश की जो मिट्टी है उस तरह से आपने ये चाइनीज डिपेंडेंसी को क्या करेगा, ये कम करेगा। और ये लॉन्च किया गया है ओके IIT मुंबई के द्वारा। मेडबॉट एक रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली है जिसे लॉन्च किया गया था इंडियन रेलवे फॉर द COVID-19 पेशेंट। दिस ट्रॉली हैज बीन डिजाइन बाय विच इंडियन रेलवे? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क आसनसोल और डीजल रेल इंजन फैक्ट्री वाराणसी। तो ये बेसिकली क्या है, मेडबॉट एक ट्रॉली है जो पेशेंट जो मान लो कि उनको COVID-19 हो चुका है, कोरोना से ग्रसित है ये पेशेंट है, तो आपको इन प्लेसेस से अगर इनको फूड एसेंशियल मेडिसिन को डिलीवर करना हो तो रिमोट के माध्यम से इस ट्रॉली के माध्यम से आप पहुंचा सकते हो। इस ट्रॉली का नाम क्या है, मेडबॉट। ये इंडियन रेलवे जो फैक्ट्री है वो वाराणसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। The Indian Railway has developed a remote control medical trolley that is known as the MedBot to help deliver food, grain and medicine for the COVID-19 patients. Okay, especially in the interaction kisne food, grain, water, etc. and more other essentials. Okay, ye mostly level 1 hospital mein lagaye gaye. Name the state which has recently launched 15 days long campaign Gandhi Bharat Chodo. Matlab, जो गंदगी है वो भारत छोड़ो या गंदी भारत छोड़ो या गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन को लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात एंड महाराष्ट्र के द्वारा। उस राज्य का नाम बताओ जिसने हाल ही में राज्य को कचरा मुक्त बनाने के लिए 15 डेज लंबे गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन की शुरू किया। आंसर होगा डियर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए स्पेशल मैसिव क्लीनेस्ट कैंपेन टाइटल गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश Free India and Madhya Pradesh from garbage from 16 to 13 August 2022 to make the state garbage free. इनका कैंपेन को 5 एंगल से डिवाइड किया गया। पहला क्लीननेस ओथ, हम क्या करते हैं ओथ लेते हैं ओके हम शपथ लेते हैं कि गंदगी को दूर करेंगे और सफाई पर ध्यान देंगे। कंटिन्यूस रिडक्शन इन द अर्बन वेस्ट, जो हमारे शहरी कचरा है उसको कम्प्लीटली कम करना है। और क्लीननेस इन कोविड कंडीशन, खासकर जो हमारा कोविड कंडीशन में सफाई पर ध्यान रखें। सेपरेट ऑफ वेस्ट एंड रिसोर्सेज ऑफ हाउसेस, जो आपका घर है जहाँ पे पब्लिक निवास करते हैं, जिस जगहों पे पब्लिक निवास करते हैं ओके इन जगहों से
आपके जो डस्टबिन है, ये जो कार गार्बेज है, इसको क्या करना है, डिस्टेंस बना के रखना ताकि इनका इफेक्ट इन पे ना आए। और लॉन्चिंग ए स्पेशल क्लीननेस कैंपेन फॉर पब्लिक प्लेसेस। मुस्तफा आदिम हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फिनलैंड, लेबनान, वेनेजुएला एंड मोरक्को। मुस्तफा आदिम को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इस तरह के क्वेश्चन का ट्रेंड होता है। मान लो ये सितंबर में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में, इनको अगर मैं देख लेता हूँ तो सितंबर से अगर वो क्वेश्चन दागेगा तो ये क्वेश्चन ये जरूर दाग सकता है। तो इस तरह से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। आज का थोड़ा क्वेश्चन का लेंथ कम है, बट कल के सेशन से क्वेश्चन की लेंथ बढ़ेगी आपकी। मुस्तफा आदिम हैज बीन अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? टू लेबनान। आप देख सकते हो मुस्तफा आदिम है कंट्रीज ओके ये 48 ईयर ओल्ड है और इन्होंने रिप्लेस शो किया है तो हसन रियाब को। ओके इतने ही जानने की आपको जरूरत है डियर मोस्टली। Who has been appointed as a new CMD of Hindustan Shipyard Limited? Hindustan Shipyard Limited के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार दास, MB राजशेखर, राजेंद्र प्रसाद सिंह और हेमंत खत्री। आंसर होगा हेमंत खत्री जी को नियुक्त किया गया है। आप देख सकते हैं he is the हेमंत खत्री। ओके और इनसे पहले कौन थे? He is the man जिनका नाम था सक्सीड एडमिरल LV शरद बाबू। तो इससे पहले हिंदुस्तान शिपयार्ड के जो चेयरमैन थे वो शरद बाबू थे जिन्हें रिप्लेस करके हेमंत खत्री को बनाया गया है। सो आज के क्वेश्चंस इतने ही हुए। फॉर आगे के क्वेश्चनों के लिए आपके अपने आप एक बेहतरीन करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के लिए समय समय पर आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलता चलाएगा और जैसे हिंदुस्तान के कुछ आर्टिकल्स है उनको भी मैं या हिंदू के कुछ आर्टिकल्स हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन में समय समय पर आपको देता रहूँगा। जस्ट आप अब मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करें, एमिनेंट एजुकेटर को सब्सक्राइब करें। आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे भी यही हमारा लिंक है एमिनेंट एजुकेटर, आप उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर सी माई वीडियो। डेफिनेटली आपको आने वाले फ्यूचर में कई तरह के नए इनोवेशन देखने को मिलेंगे, बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। टेलीग्राम पे भी आप सब्सक्राइब मुझे कर सकते हो। ओके सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन आवर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू। वी विल मीट टुमारो बाय 9 PM शार्पली। आज थोड़ा सा लेट हो गया ड्यू टू नेटवर्क इशू।